बहुत अच्छा लग रहा है, जीने की चाहत लगी मैडम। इससे पहले मैं तो मरना अच्छा पसंद करता था, इतना मुझे दर्द होने लगता था। डायबिटीज से दर्द था, टूटी से दर्द था, पेट की विकार से दर्द था और बहुत परेशान थी। लेकिन यहाँ सेंटर में, थाने सेंटर में आया, मैंने जब एडमिशन लिया, डॉक्टर सरता जी वो उनकी टीम जो उनके मुझे जो अच्छी खान पान की दवाई की, रहन सहन की, जो मुझे डाइट की जो मुझे सलाह दी, उनकी मेडिसिन से मैं आदमी बहुत अच्छे रहता हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और उसके हिसाब से मैं आज ठीक ठाक हूँ और सशक्त हूँ, मैं एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ। मेरे को पता नहीं लगता था कि लीवर में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कोई पता नहीं लगता था, कुछ नहीं होता था, बस पेट फूला रहने का। अब जिसकी समस्या एकदम अचानक हो गई, मेरा बैठने का काम था 1996 की बात है, 96 की, वहाँ पे तो मैंने बहुत से डॉक्टर से दवाई खा ली, अल्ट्रासाउंड हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज मैं जो दावे से बात करता हूँ कि इसका इलाज एलोपैथी, लीवर का एलोपैथी में इलाज नहीं है, तो जे मेरे को लगता है आयुर्वेदा जो डॉक्टर मुनीष का जो जो इनका दवाई है, शायद मेरे को लगता है लीवर के लिए, अच्छा लीवर के लिए तो है ही है, पूरे शरीर को ही, बॉडी को मेरे को लगता है पूरा फिट रखता। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका, बहुत बहुत कि बहुत ही फायदा हुआ मेरे को। तो प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है कि एक बार घोंटों में प्रॉब्लम ही, पेट में प्रॉब्लम ही, पेट की भी खत्म हुई, घोंटों की भी खत्म हुई, जो दर्द में दर्द रह रहा वो भी खत्म हुआ, तो मैं उनके खाने से ही फायदा हुआ। ये पूरे की तकलीफ थी, आयुर्वेदिक में गया, वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऑपरेशन बताया था, लेकिन बिना सिकुरसी मुझे फ़ायदा हो गया। मैं मनीष जी का और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ, मैं किसी लिया नहीं चलता था, अभी मैं दौड़ सकता हूँ, इसलिए मैं भारतवासी से गुजारिश करूँगा, ऑपरेशन कोई ये नहीं है, बिना ऑपरेशन के सब कुछ हो सकता है। जिला स्कोप से एक बार संपर्क कीजिएगा, मनीष जी से संपर्क कीजिएगा और आप तो दवाई लीजिएगा। अपने शहर के क्लिनिक के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवा कर करें बीमारियों की जड़ पर वार।